हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेओई आईटी 939 का सोल पेपर। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं मेरी तरफ से, फिर भी अगर कोई गलती रह जाए तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सेलियंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो मोस्ट सेलियंट फीचर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? इट वॉज वर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज चीफ इंपैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर। तो चीफ इंपैक्ट क्या था वैदिक कल्चर का? तो कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक, कास्ट सिस्टम का कंसोलिडेट करना। नेक्स्ट इज बुद्धा प्रीचिंग मेनली रिलेटेड टू। तो बुद्धा की प्रीचिंग मेनली किस चीज से रिलेटेड थी? तो इट वॉज रिलेटेड टू प्योरिटी ऑफ कंडक्ट एंड थॉट। नेक्स्ट इज हिंदू कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द पीरियड। तो किसकी हिंदू कॉलोनी थी साउथ ईस्ट एशिया में, किसके पीरियड के टाइम में, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हिंदू कॉलोनी थी वो थी मौर्यन एम्पायर की। तो मौर्य राइट आंसर रहेगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम दे रखे थे वहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर है मंसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट इज पल्लवा किंग्स मेड रॉक कट टेम्पल्स ऑफ। तो पल्लव के जो राजा वो थे, इन्होंने बेसिकली रॉक कट टेम्पल बनाए थे। तो कहाँ पे? तो इन्होंने बनाए थे महाबलीपुरम के। नेक्स्ट इज सुल्तान रिफ्यूज द अथॉरिटी ऑफ खलीफा। तो कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने जो खलीफा है उसकी अथॉरिटी मानने को मना कर दिया था? तो इनका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्लभ भाई सरदार पटेल। तो आपको बताना मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था वल्लभ भाई सरदार पटेल का? तो इनका था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड। तो कब इन्होंने नाइटहुड को त्याग दिया था? तो आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाकर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था? इट वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम एज इफेक्टिव वेपन एज मास मूवमेंट। तो इसको पहली बार गांधी जी ने यूज किया था इफेक्टिव वेपन एज मास मूवमेंट। नेक्स्ट इज बट इज कॉमन इन इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन। तो कॉमन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट है जो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करता है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट प्रेजेंट इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी डिफाइन नहीं है। मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर, और अगर मैं पूछूँ लोकसभा की कितनी है तो इट इज़ 25 ईयर्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसीज। तो ये कब इम्पोस्ट होती हैं? जब ये इम्पोस्ट होती है तो उसके इसमें क्या होता है? तो सैलरीज ऑफ एनी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज में भी रिड्यूस। तो सैलरीज रिड्यूस हो सकती है क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है। अगर आपसे पूछ जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कितनी बार इम्पोज हुई है, तो राइट आंसर रहेगा 0। अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। नेक्स्ट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। किस लिए किया जाता है? फॉर इंप्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटीज, और इसके अलावा जो भी अनबैंक्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे बैंकिंग सुविधाओं को प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो OMO होते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर? तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेटामॉर्फिक रॉक? तो आपको बताना था कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है? तो मार्बल बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक रहती है, ठीक है, MM याद रख लेना। स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाई नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी। तो आपको बताना है स्ट्रेच ऑफ सी वाटर जो बेसिकली या तो थोड़ी सी या पूरी तरह से सेपरेट हो जाती है मेन सी, तो इसको बोला जाता है लेगून। इंडियन डेजर्ट को क्या बोला जाता है? आपको पता है थार डेजर्ट बोला जाता है। लोकटक क्या है? लोकटक एक नदी का नाम नहीं है, झील का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे रिवर ऑप्शन भी था, तो वो सेकंड रिवर लगा के आया जो गलत है। लोकटक इज ए लेक, लोकटक एक झील है। एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। तो इंडिया में जो एरिया होता है लो प्रेशर इन समर वो किस रीजन में रहता है? तो ये रहता है NW में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जितना भी गुजरात या महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास। वैली ऑफ फ्लावर के नाम से कौन सी स्टेट को जाना जाता है? तो UK, उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि मुंबई में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपको पता ही है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर ह्यूमन ब्लड में क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। मायोपिया पर्सन को कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है? तो कनकेव लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस की, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसमें कॉनकेव और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स, दोनों याद रखना। नेक्स्ट इज डिवाइस चेंजेस द स्पीड ऑफ फैन। तो आपने बहुत सी बार सुना होगा पंखे की स्पीड कम कर दो या बढ़ा दो, जो इलेक्ट्रिक फैन घर में यूज होते हैं तो हम क्या लगाते हैं उसके लिए? आपने देखा होगा एक रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। पहले तो आपने देखा होगा बड़े साइज के रेगुलेटर आते थे, इतने बड़े साइज के, इसके बीच में आपने देखा होगा ऐसा गोल सा पॉइंट था जिससे हम स्पीड बढ़ाते कम करते थे। अभी तो एक छोटे छोटे से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो रेगुलेटर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनको बेसिकली बोला जाता है रेगुलेटर, फॉर रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ फैन। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेटल प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड। वो ऐसी कौन सी मेटल है जो अपने ही ऑक्साइड से बचती बचाती है अपने आप को? तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट इज स्पीति और किन्नौर को सेपरेट करता है तिब्बत से कौन सी रेंज? तो स्पीति एंड किन्नौर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय जंस्कर रेंज। नेक्स्ट इज हंगरंग वैली किन्नौर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कई बार बताया है, लार्जेस्ट रिवर ठीक है, तो कौन सी है चिनाब इन टर्म्स ऑफ वाटर कैपेसिटी, और लॉन्गेस्ट कौन सी है एचपी की, सतलुज। नेक्स्ट इज हिमाचल ऑन टूरिज्म मैप, तो हिमाचल को टूरिज्म मैप में क्या दिखाया था, तो आपने बहुत बार सुना होगा, इवन आपने बसेस भी देखी होंगी, अगर आपने वोल्वो बसेस देखी हैं जो चंडीगढ़ से शिमला चलती हैं, तो या फिर शिमला से इवन आपने देखा होगा दिल्ली चलती हैं, या फिर शिमला से इवन आपने देखा होगा जो अदर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वहाँ चलते, तो उनके ऊपर लिखा होता है देवभूमि, ठीक है। शितिदार क्या है, शितिदार कहाँ पे है, कुल्लू में है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा, तो ये थे पहले डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का नाम नहीं यहाँ पूछा है, यहाँ पर डीएस का नाम पूछा है, तो ये थे कृष्ण चंद्रा। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट हिल मीटिंग ऑफ, ठीक है, शिमला हिल स्टेट रूलर्स एंड प्रजामंडल इन 1948 एट सोलन, तो किसने चेयरमैनशिप की थी, जो ये ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, ठीक है, प्रजामंडल की और जो भी हिल स्टेट के रूलर्स थे 1948 में एट सोलन में, तो दुर्गा सिंह ने ये इसको चेयर किया था। डॉक्टर वाई एस परमार अज्यूम्ड ऑफिस इन, तो कब बने थे डॉक्टर वाई एस परमार पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये बने थे 24 मार्च 1952। सिख गुरु जो बेसिकली पोंटा साहब से लिंक है, कई बार बता चुका हूँ, गोविंद सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटर ऑन द मॉल ऑफ शिमला शोइंग एप्पल प्लक्ड बाई हिमाचली, ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपने मॉल ऑफ शिमला वगैरह में भी विजिट किया है, तो वहाँ पे बहुत सी पेंटिंग्स हैं, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कैसे हिमाचली एप्पल को प्लक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये किसने बनाई हुई हैं, तो ये बनाई हैं एम सी सक्सेना, इट इज़ नॉट बी सी सक्सेना, इट इज़ एम सी सक्सेना, ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हैं एम सी एस। नेक्स्ट इज कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड रूल ऑफ अकबर, तो धर्मचंद ने अकबर का रूल एक्सेप्ट कर लिया था। ये एच पी स्टेट एक्ट पास्ड बाई पार्लियामेंट, तो एच पी स्टेट एक्ट कब पास किया था पार्लियामेंट ने, 18 दिसंबर 1970। कायांग बाकियांग ये सब क्या हैं, ये दीज आर डांसिस ऑफ किन्नौर, ठीक है, कांग कियांग बाकियांग डांसिस ऑफ किन्नौर, ये याद, ये भी याद रखना, जो एच पी स्टेट एक्ट है जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 18 दिसंबर 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हिमाचल प्रदेश का कब हुआ, तो ये हुआ 1988 में, 1988। फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम इन 1989, तो ये दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम कब दिया गया अवार्ड, तो ये रखना 1989 में, और किसको दिया गया, जयदेव किरण, ठीक है, जयदेव जयदेव ऐसे करके याद रख लेना। नेक्स्ट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ सीईआरएन, तो कौन सी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सस्पेंड किया है ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ रशिया, ठीक है, बेसिकली सीआरएन से किसको किया है यहाँ पे सस्पेंड, तो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का क्या थीम था, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, तो नई भारत का आवाज़ बनी है, ठीक है, और जो भी सोल्यूशन है कॉन्ट्रीब्यूशन है उनमें अपना हिस्सा दीजिए। परम गंगा क्या है, तो परम गंगा आपको पता सुपर कंप्यूटर है जो पेटाफ्लॉप स्पीड के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑन 2022, तो 2022 में अभी तक कौन सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर बन चुका है, तो ये टैग मिल चुका है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर जो भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, सो थैंक यू सो मच, फाइव फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।